सर्वांगन चमन बनाने के लिए आपको चाहिए 400 ग्राम कॉटेज चीज, 800 ग्राम टमेटोस, 75 ग्राम देसी घी, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून ग्रीन कार्डमम, 2 बे लीफ, 2 ग्राम सिनेमन स्टिक, 20 ग्राम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 10 ग्राम टर्मरिक पाउडर, 20 ग्राम फेनल सीड पाउडर, 20 ग्राम गरम मसाला, 5 ग्राम कसूरी मेथी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलिए शेफ शुरुआत करते हैं। इस रेसिपी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले टमाटर की ग्रेवी और एक पनीर की प्रिपरेशन, दोनों को बाद में कंबाइन करेंगे और डिश को तैयार करेंगे। ये हम नॉर्मल टमाटर जो है वो लेते हैं, इसको हम बॉईल करेंगे इन खड़े मसालों के साथ, इलायची, बेलीफ एंड सिनेमन स्टिक। और इसको हम बॉईल होने के बाद छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद ये इस तरह दिखेगा और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। मैं शेफ बशीर को बोलता हूँ कि वो इसको ग्राइंड कर ले आएँ। शेफ बशीर, आप इसे ग्राइंड कर ले आओ। तब तक हम प्रिपेयर करते हैं पनीर। चमन पनीर को बोला जाता है और रुवांगन बोला जाता है टमाटर को कश्मीर में। ओके, सो दोनों का कम्बिनेशन रुवांगन चमन। ये पनीर है, पनीर को हम बड़े बड़े डाइस में काटते हैं और फिर उसको हल्दी और नमक के पानी में बॉईल कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा सा नमक पनीर के अंदर चला जाए और जब डिश को खाया जाए तो उसके अंदर नमक का स्वाद आए। हल्दी और पानी से पनीर ऐसा निकलेगा। फिर इस पनीर को हम डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल हमने थोड़ा गर्म करके रखा हुआ, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। एक पनीर मेरे हिसाब से 50 से 60 ग्राम का है, तो एक आदमी के लिए 50 से 60 ग्राम पनीर बहुत होता है। और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा रेडिश। Should be red in color. ये रुवांगन जो डिश है वो एकदम रेड उसमें है, तो पनीर भी हम इसको बिल्कुल रेडिश निकालते हैं। एकदम इंटैक्ट है ये और ये अब बिल्कुल भी कहीं नहीं। काफ़ी आसान भी है। बहुत आसान है। अभी जब इंग्रेडिएंट बहुत आपको ज़्यादा लग रहे हैं, बट जब मैं इसको ग्रेवी बनाऊँगा यू विल फील कि ये घर के अंदर आराम से, अगर ग्राइंड टमाटर हैं तो 20 से 25 मिनट में ग्रेवी तैयार हो जाए। और वैसे भी डेली पनीर खा के अगर हम वैसा नॉर्मल पनीर जो घर में बनता है प्याज टमाटर डालकर, वो बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज है इसको। तो फ्राई करने के बाद हम टमाटर की ग्रेवी तैयार करते हैं। इस पैन में हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे। देसी घी कश्मीरी खाने में देसी घी का बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है और थोड़ा इससे उनकी जो टेम्परेचर में है थोड़ी गर्माइश मिलती है, इसलिए वहाँ की मैक्सिमम कुकिंग में देसी घी का प्रयोग होता है। इस घी गर्म हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भूनेंगे थोड़ा। हल्का सा भूनने के बाद इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इट गिव्स द रेड कलर, हल्का सा टर्मरिक, इसको हल्का सा भूनेंगे। रेड कलर देने के लिए इसको घी में छोड़ते हैं ताकि ये अच्छी तरह कलर दे दे। शेफ बशीर, वो मैंने टमाटर दिए थे आपको, टमाटर मेरे को दे दीजिए। इसने अपना कलर छोड़ दिया। ये वो ग्राइंडेड टमाटर हैं, प्यूरी जो करवाई थी मैंने, इसको इसमें ऐड किया जाएगा। शेफ, एक चीज़ जानना चाहेंगे, डायरेक्टली जो हमने टमाटर लिए थे क्या हम उन्हें भी लाइक ग्राइंड कर सकते हैं? ग्राइंड करेंगे पर उसमें छिलका जो है वो पूरी तरह मुँह में आएगा, फिर इसकी जो स्मूथनेस है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अभी आप देखिए, रेड चिली डालने से इसका कलर एकदम रेड हो गया, टमाटर का कलर भी चेंज हो गया। नाउ थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाएंगे एंड लेट दिस, ये टमाटर को थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये बॉईल आ गया है टमाटर में। अब इसके अंदर हम सारे मसाले जो हैं हमारे, थोड़ा सा नमक आप स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर,
गरम मसाला, फेनल सीड पाउडर, सौंफ का पाउडर, ये इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है कश्मीरी डिशेज़ में। सौंफ पाउडर और जिंजर पाउडर दोनों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा हम फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो लाइक इसको सौंफ पे घर पे पीस लेते हैं, घर पे पीस लेते हैं, और वैसे मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा कसूरी मेथी जस्ट फॉर फ्लेवर, कि थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, ज़्यादा नहीं। कश्मीरी खाने की एक ख़ास बात ये भी होती है, काफ़ी शाही तरीके से बनाया जाता है, और उसके अंदर मेन चीज़ होती है फ्लेवर्स। जो फ्लेवर्स हैं वो काफ़ी इसके अंदर इन्हेंस होते हैं। अब इतने सारे मसाले हैं और उसके अंदर मैक्सिमम आप देखा जाए तो सौंफ पाउडर हमने ज़्यादा डाला, ज़्यादा डाला, एक अलग ही खुशबू, अलग ही महक देगा। जब लाइक किचन में रहकर तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते होंगे, तो क्या घर पे भी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट होता है? घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता, घर पे खाना बनाते हैं। हाँ, बेटी के लिए खाना जरूर बनाता हूँ, बीवी को फिर भी मना कर देता हूँ, पर बेटी को मना नहीं कर पाता हूँ। तो बेटी को कई बार उनकी बटर चिकन बहुत फेवरेट डिश है, तो बनाना पड़ता है। लाइक उनको आपके हाथ का खाना काफ़ी पसंद भी होगा? हाँ, दे लव टू हैव पास्ता, तो पास्ता मैं जनरली घर पे उनके लिए बनाता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट कुक है, थोड़ी सी गाढ़ी है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, तेल छोड़ ही रही है। बशीर शेफ मुझे थोड़ा पानी दें, आज थोड़ी धीमी कर देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। यह हमारी ग्रेवी लगभग तैयार है, एक बॉयल आते ही हम इसमें ये फ्राइड पनीर डाल देंगे। बॉयल आ गया, इस फ्राइड पनीर को हम 5 मिनट तक इसी में रखेंगे, ताकि ये भी सारे जूसेस जो है मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए प्रॉपरली मिक्स हो जाए, और इसके अंदर सारा जूस इसके अंदर आ जाए। रेडी है वांगन चमन, इसको अभी हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, इसको हम अभी सर्व करते हैं। ये पनीर एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा शेफ, बहुत कम समय।